हेलो एंड वेलकम टू allroomkitchen.com। आज हम पुनावले लोकेशन से एक थीम बेस्ड प्रोजेक्ट को चेक करने वाले हैं, जहां पे लग्जरियस एमिनिटीज के साथ 2 BHK फ्लैट्स आपको मिल जाएंगे। एमिनिटीज की अगर मैं बात करूं तो 40 से भी ज़्यादा थीम बेस्ड एमिनिटीज आपको यहां पे देखने को मिल जाएंगी। एंड 2 BHK की अगर मैं प्राइजिंग की बात करूँ तो लगभग 52 लैक्स ऑल इंक्लूसिव प्राइजिंग यहाँ पर 2 BHK फ्लैट्स की रखी गई है, और इसी वजह से हमारे हिसाब से ये एक लग्जरियस येट अफोर्डेबल प्रोजेक्ट बन जाता है। हमेशा की तरह सैंपल फ्लैट का टूर भी आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले प्रोजेक्ट डिटेल्स को डिस्कस करते हैं। लगभग 4.5 एकर्स के लैंड पार्सल पे ये प्रोजेक्ट डेवलप किया जा रहा है, जहाँ पे 3 हाई राइज टावर्स रहने वाले हैं। सभी जो टावर्स हैं ये 25 स्टोरीड के रहने वाले हैं। 3 लेवल्स ऑफ कार पार्किंग यहाँ पे रहने वाली है, उसके ऊपर 25 स्टोरीड ऑफ रेजिडेंशियल फ्लोर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। एमटीज की बात करूं तो जैसे मैंने आपको बताया 40 से भी ज़्यादा थीम बेस्ड एमटीज यहां पे मिल जाती है। फॉर ऑल एज ग्रुप्स यहां पे एमटीज दी हुई है। कुछ हाइलाइटेड एमटीज मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि यहां पे स्विमिंग पूल दिया हुआ है, बॉलिंग एले दिया हुआ है, स्क्वैश कोर्ट दिया हुआ है, साथ ही सनराइज एंड सनसेट का पेविलियन भी आपको रूफ टॉप पे मिल जाता है, यानी कि 25th फ्लोर से आप सनराइज एंड सनसेट को एन्जॉय कर सकते हैं। चलिए साइजिंग एंड प्राइसिंग को डिस्कस कर लेते हैं। 2 BHK 671 स्क्वायर फीट कारपेट के यहाँ पे अवेलेबल है, जिसका प्राइसिंग रखा गया है 52.30 लाख ऑल इंक्लूसिव। लिमिटेड नंबर ऑफ फ्लैट्स के लिए यहाँ पे आपको ऑल इंक्लूसिव प्राइसिंग जो है ये एक ऑफर प्राइसिंग आपको दी जाएगी, जिसमें आपको ऑल इंक्लूसिव प्राइसिंग जो है ये बिलो 50 लाख ऑल इंक्लूसिव दी जाएगी। बेस्ट प्राइस डील्स के लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप चाहिए तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी लिख लीजिए, 9011546479 या फिर 9067228183। डिस्क्रिप्शन में हमने व्हाट्सएप की लिंक भी दी हुई है। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। पुणे की बेस्ट से बेस्ट प्रॉपर्टीज़ आपको मिलेगी यहीं, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए अब सैम्पल फ्लैट का टूर करते हैं। 671 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया का ये फ्लैट है। इसमें अगर आप देख पा रहे होंगे तो वन टच का यहाँ पे आपको जो है वीडियो डोर फोन कॉलिंग मिल जाता है, एंड डिजिटल लॉक के साथ ये पर्टिकुलर फ्लैट्स आपको मिल जाते हैं। काफ़ी वाइड आपको 4 फीट वाइड डोर्स प्रोवाइडेड है, जिससे एक लग्जरियस फील आपके डोर से ही मिल जाता है फ्लैट्स का। इसे आप एक्सेस कर सकते हो कार्ड से या फिर डिजिटल लॉक से या फिर की से। अगर आप डिजिटल लॉक से इसे एक्सेस करना चाहोगे तो कुछ इस तरीके से आप इसे अनलॉक कर सकते हो और ये अनलॉक हो जाएगा। आ जाइए, जैसे आप फ्लैट में एंटर करते हो आपको सबसे पहले एक एंट्रेंस लॉबी मिल जाती है डेडिकेटली। इसकी अगर मैं साइजिंग की बात करूं तो 5x4.5 साइज़ की एक डिसेंट एंट्रेंस लॉबी के साथ आपको फ्लैट्स मिल जाते हैं। आ जाइए, एंट्रेंस लॉबी से जैसे ही आप अंदर आते हो आपको लिविंग डाइनिंग एरिया मिल जाता है। अगर मैं बात करूं लिविंग डाइनिंग के साइजिंग की तो आपको 16.5x10 साइज़ का लिविंग डाइनिंग स्पेस यहाँ पर प्रॉपरली मिल जाता है। आप एक बार लिविंग डाइनिंग एरिया को क्विकली चेक कर लीजिए। कुछ इस तरीके के आपको लिविंग डाइनिंग स्पेस इन पर्टिकुलर फ्लैट्स में मिल जाते हैं। छोटा सा ही सही, लेकिन आपको एक डेडिकेटेडली डाइनिंग स्पेस अलग से इस तरफ मिल जाता है, एंड इस तरफ आप कुछ अपना टीवी यूनिट का सेटअप एंड सोफ़ा सेटअप इस तरीके से कर सकते हैं। एंड लिविंग को ही अटैच्ड आपको कंपलसरी बालकनी मिल जाती है। आ जाइए, बालकनी को चेक करते हैं क्विकली।
आ जाइए। एक डिसेंट कवर्ड बालकनी आपको यहाँ पे मिल जाती है लिविंग के साथ, जो प्रॉपरली ऊपर से कवर्ड रहेगी, हाई राइज टॉवर है। और यहाँ पे जो आपको सेटअप दिख रहा है टफन ग्लासेस के एंड रेलिंग का, इसकी हाइट जो है ये आपको थोड़ी सी ऊपर प्रॉपर हाइट का टफन ग्लास का सेटअप भी बालकनी इसके साथ मिल जाएगा। आइए नेक्स्ट पार्ट ऑफ द फ्लैट को भी चेक करते हैं। आइए लिविंग डाइनिंग से लग के इस तरफ आपको जो है किचन एरिया मिल जाता है। अगर किचन की मैं साइजिंग की बात करूँ तो 8.3x8 साइज़ का आपको प्रॉपर किचन मिल जाता है। आ जाइए आपको प्लेटफॉर्म दिखा देता हूँ। एल शेप के प्लेटफॉर्म के साथ आपको ये किचन्स प्रॉपरली मिल जाते हैं। एंड आपको जो टाइल्स यहाँ पे दिख रही है इसी कलर की टाइल्स मिलेगी। एंड जो प्लेटफॉर्म का कलर है ये इसी तरीके का कलर आपको यहाँ पे प्रॉपरली मिल जाएगा। बाकी फर्नीचर यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है। तो इस तरीके के आपको किचन सेटअप मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे फ्रिज रखने के लिए प्रॉपर स्पेस दी गई है। यहाँ पे आप मिक्सर ग्राइंडर चाहे तो रख सकते हैं। कुकिंग एरिया आपका इस तरफ आ जाएगा। आप चाहे तो चिमनी का सेटअप यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हैं। एंड एनक्लोज बालकनी आपको मिल जाती है। सिंक जो है ये आपको एनक्लोज बालकनी में इस तरफ मिल जाता है। आप चाहे तो वाटर प्यूरीफायर कुछ इस तरीके से यहाँ पे सेटअप कर सकते हो। इस तरफ आपका वॉशिंग मशीन का सेटअप आ जाएगा प्रॉपरली। इनलेट आउटलेट वगैरह प्रॉपरली दिए गए हैं। विंडोज़ आप देख लीजिए, काफ़ी बड़े विंडोज़ आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। हाफ़ वॉल एंड हाफ विंडो मिल जाता है ताकि आपका वेंटिलेशन किचन में प्रॉपरली मिल सके। उस हिसाब से यहाँ पे सेटअप किया हुआ है विंडोज़ का। और आप चाहें तो इस तरीके का टेम्पल भी, एक मंदिर स्पेस यहाँ पे बना सकते हैं अपने फ्लैट में। यूजुअली ये दिखाया नहीं जाता है सैम्पल फ्लैट्स में, लेकिन प्रॉपरली एक अलग से मंदिर स्पेस भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। आइए नेक्स्ट पार्ट ऑफ द फ्लैट को चेक करते हैं। आ जाइए, यहाँ से हम जैसे ही अंदर आते हैं इस तरफ आपको कॉमन वॉशरूम मिल जाता है। बेसिन आपको बाहर की तरफ मिलेगा। कुछ इस तरीके के टाइल्स आपको प्रॉपरली यहाँ पे मिल जाएंगे। ये प्लेटफॉर्म के साथ बेसिन का सेटअप आपको मिलेगा। जो सीपी वेयर एंड सैनिटरी वेयर है ये प्रॉपर जैगुआर के ही आपको मिलेंगे। ऊपर अगर आप देख पा रहे होंगे तो आपको इन्वर्टर अगर इंस्टॉल करना है तो उसके लिए प्रोविजनिंग पहले से की हुई है। आइए वॉशरूम को चेक करते हैं। ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये वाइट एंड ब्लू कलर के थीम बेस्ड प्रोजेक्ट है, इसलिए टाइल्स का कॉम्बिनेशन भी कुछ वाइट एंड ब्लू कलर का ही रखा गया है। सीपी एंड सैनिटरी वेयर जो है ये जैगुआर कंपनी के ही आपको मिलते हैं। दोनों ही वॉशरूम्स में आपको सोलर वाटर का सप्लाई मिल जाता है। साथ ही आपको गीजर इंस्टॉल करने के लिए भी पॉइंट्स दिए हुए हैं। इस तरफ बेडिंग स्पेस और इस तरफ कमोड स्पेस कुछ इस तरीके का आपको मिल जाता है। आइए फर्स्ट बेडरूम को चेक करते हैं। इसे हम किड्स बेडरूम कह सकते हैं। 10x10 साइज़ का आपको किड्स बेडरूम मिल जाता है। काफ़ी अच्छी हाइट एंड विड्थ की आपको विंडो यहाँ पे मिल जाती है किड्स बेडरूम के साथ। 10x10 साइज़ छोड़ के आपको इस तरफ वार्डरोब स्पेस भी अलग से दिया है ताकि आप कुछ इस तरीके का वार्डरोब जो है ये अंदर की तरफ सेटअप कर पाओ। और बाकी का 10x10 का जो स्पेस है वो आप अपने बाकी फर्नीचर के लिए, बेड्स के लिए, या फिर किड्स बेडरूम है तो आप स्टडी टेबल के हिसाब से यूटिलाइज़ कर पाओ। उस हिसाब से काफ़ी अच्छी यूटिलिटी यहाँ पे दी हुई है कि वार्डरोब जो है ये आपका अंदर ही इंस्टॉल हो जाता है। आइए मास्टर बेडरूम को चेक करते हैं। आ जाइए, यहाँ से जैसे ही आप आगे आते हो तो आपको 10x11 साइज़ का मास्टर बेडरूम मिल जाता है, जिसमें विंडो आपको इस तरफ मिलती है। अच्छी हाइट एंड विड्थ की आपको विंडो मिल जाती है। इस तरफ आपको एक शेल्फ एरिया मिल जाता है। आप चाहें तो इसे वर्क फ्रॉम होम ऑफिस डेस्क के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, या फिर ड्रेसिंग टेबल के हिसाब से बना सकते हैं, या फिर एक छोटा सा वार्डरोब क्रिएट कर सकते हैं। उस हिसाब से यहाँ पे भी आपको एक जो है नीच मिल जाती है अलग से मास्टर बेडरूम में। एंड आप चाहें तो इस तरफ आपका वार्डरोब का सेटअप कर सकते हो। डोर के पीछे प्रॉपरली अच्छे से जगह है तो इस तरफ आपका वार्डरोब प्रॉपरली आ जाएगा मास्टर बेडरूम में। एंड इस तरफ आपको अटैच्ड मास्टर वॉशरूम भी मिल जाता है। आइए मास्टर वॉशरूम को चेक करते हैं। आ जाइए, आप जैसे ही मास्टर वॉशरूम में आते हो तो इस तरफ आपको बेसिन स्पेस मिल जाता है, यहाँ पे कमोड स्पेस, और इस तरफ आपको जो है बेडिंग स्पेस प्रॉपरली मिल जाता है। अगेन वाइट एंड ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। सो ओवरऑल बिल्डिंग्स जो है ये बाहर से भी वाइट एंड ब्लू कलर की रहेंगी, एंड अंदर से जो टाइल्स एंड बाकी का कॉम्बिनेशन किया गया है ये अगेन वाइट एंड ब्लू कलर का रखा गया है। सो इट्स ए थीम बेस्ड प्रोजेक्ट एंड अफोर्डेबल प्रोजेक्ट एज वेल। एक बार फिर से पूरे फ्लैट को चेक करते हुए लिविंग रूम की तरफ चलते हैं। तो दिस इज़ योर मास्टर बेडरूम 10x11 साइज़ का।
इस तरफ आपको किड्स बेडरूम मिल जाता है 10x10 साइज का विथ वार्डरोब स्पेस। इस तरफ आपको कॉमन वॉशरूम बेसिन बाहर की तरफ प्रॉपरली, एंड ये कॉमन वॉशरूम हो गया। और इस तरफ आप जैसे ही आते हो तो डाइनिंग एंड लिविंग एरिया आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का मिलेगा। कवर्ड बालकनी के साथ आपको ये पर्टिकुलर फ्लैट्स मिल जाते हैं। तो कुछ इस तरीके के 671 स्क्वायर फीट कारपेट एरियाज़ के 2 BHK फ्लैट्स यहाँ पे अवेलेबल है। इट्स ए थीम बेस्ड प्रोजेक्ट एंड करंटली लिमिटेड नंबर ऑफ फ्लैट्स के लिए मैंने जैसे बताया बिलो 50 लाख ऑल इंक्लूसिव प्राइसिंग आपको मिल जाती है। बेस्ट प्राइस डील्स के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारे नंबर्स स्क्रीन पे डिस्प्लेड हैं ऑलरेडी। ये जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है ये मैं रिकमेंड करना चाहूँगा उन लोगों के लिए जो 50 लाख तक ही इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, एक एप्रिसिएशन के हिसाब से, रेट एप्रिसिएशन के हिसाब से, या फिर रेंटल इनकम के हिसाब से। यहाँ पे आपको 15-16 हज़ार का रेंट करंट की डेट में चालू है। ये अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है, इसका पोजीशन आपको 24 में मिलेगा, 2024 में इसका पोजीशन मिलेगा, तब डेफिनेटली आपको रेंटल थोड़ा और हायर लेवल पे मिलेगा। एंड आपको अगर रीसेल वैल्यू का एप्रिसिएशन चाहिए तो उस हिसाब से भी इन्वेस्टमेंट के लिए ये प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छी है। अगर आप सेल्फ यूज़ के हिसाब से देख रहे हैं, बिलो 50 लाख एक थीम बेस्ड लग्जरियस प्रोजेक्ट चाहते हैं विथ ऑल एमिनिटीज़, तो इस प्रोजेक्ट को आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। आपको अगर साइट विजिट के लिए आना है या फिर जूम कॉल प्रेजेंटेशन चाहते हैं तो आप हमें स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और भी बहुत सारे प्रॉपर्टी रिलेटेड वीडियोस हमने हमारे चैनल पे अपलोड करके रखे हुए हैं, आप अगर उन्हें चेक करना चाहते हैं तो आप इन बटन्स पे क्लिक ज़रूर करें।